Good morning, students. In this video, we will discuss about a circle which basically lies inside the triangle, like this one in this example. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ए सर्कल जो एक ट्राइंगल के अंदर रखा हुआ है और उस ट्राइंगल की किसी भी साइड को ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जैसे कि यहाँ ये इस ट्राइंगल का वर्टेक्स ए है, ए से पी का डिस्टेंस बताना हो या बी से आर या बी से पी या सी से आर या सी से क्यू या ई से क्यू का डिस्टेंस बताना हो या इसके साथ साथ बी से सी ये जो है ये फाइंड आउट करना है, राइट। इस तरीके से कोई भी एक प्रॉब्लम अगर दी है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, राइट। तो सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में अगर कोई सर्कल किसी भी ट्राइंगल के अंदर हो और ट्राइंगल की किसी भी साइड को या फिर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई डिस्टेंस बताना हो तो टेंजेंट और इंटरसेक्ट्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। कैसे करेंगे इस एग्जांपल में देखते हैं। ए बी ए सी एंड बी सी, ए बी ए सी एंड दिस बी सी की लेंथ गिवन है फॉर एन एग्जाम्पल, और तीनों एक्सटर्नल पॉइंट्स ए बी एंड सी से, ए से पी, बी से आर या बी से पी, सी से क्यू या सी से आर, ये कोई डिस्टेंस बताना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं ए बी एंड सी, तो फ्रॉम ए पॉइंट ए पी और ए क्यू, ए पी और ये ए क्यू, तो अभी अगर ये हम लोग वो एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर कर लें तो यहाँ से ये टेंजेंट और ये भी टेंजेंट है, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं पी और क्यू पॉइंट पर। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट, ये जो ए पी और ए क्यू होगा ये डिस्टेंस सेम होगा, राइट। सिमिलरली फॉर फ्रॉम द पी पॉइंट, बी पॉइंट से आप ये कंसिडर करें तो इधर बी पी एंड दिस बी आर, ये यू कैन कंसिडर एज ए टेंजेंट। सो एट दीज पॉइंट्स पी एंड आर, दीज इंटरसेक्ट्स, ये जो डिस्टेंस होगा बी टू पी, बी टू आर, ये इक्वल होगा। एंड इफ यू कंसिडर दिस सी पॉइंट, देन ये दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट क्यू पॉइंट, राइट। सो सी क्यू एंड सी आर जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, सपोज किया ए टू बी डिस्टेंस या बी टू पी डिस्टेंस या सी टू आर डिस्टेंस या सी टू क्यू, लाइक दैट, राइट। इनमें से कोई भी एक हो सकता है क्योंकि सी क्यू और सी आर इक्वल है, बी आर बी पी इक्वल है, ए टू पी ए टू क्यू इक्वल है। तो या तो हम क्वेश्चन में ये पूछ लें या ये पूछ लें, दोनों का मीनिंग एक ही होगा, इनमें से एक ये हो सकता है या ये, राइट। तो अभी हम बोल रहे हैं कि ए टू बी डिस्टेंस गिवन है, राइट। तो उस केस में क्या करें, जब ए टू बी गिवन है तब किसी एक पॉइंट पर आप फोकस कर लें और उसको कंसीडर कर लें जैसे कि एक्स वाई और जेड। तो फ्रॉम ए पॉइंट, ये नियरेस्ट पॉइंट इंटरसेक्ट इसके क्या है, ए पी एंड ए क्यू, इस पॉइंट से, राइट, ए पी एंड ए क्यू नियरेस्ट डिस्टेंस है। तो हम सपोज किया इनमें से ए पी एस है, एक्स इसको कंसिडर कर लिया, तो ये लेंथ कितना होगा, ये भी एक्स होगा। तो ए पी और ए क्यू इक्वल है तो इसको हमने एक्स बोल दिया है, राइट। अब फ्रॉम बी पॉइंट इसको हम वाई बोल देते हैं, तो बी आर कितना है, वाई, तो बी पी कितना होगा, जितना कि बी आर है, तो ये भी वाई होगा। अब सी पॉइंट को कंसिडर करते हैं, तो सी पॉइंट से सी क्यू डिस्टेंस कितना होगा, वो जेड हमने मान लिया है, तो सी आर भी जेड होगा, राइट। तो ये सब पॉइंट ये गिवन है, तो ये तो एक्स हुआ, ये जेड, ये जेड, ये वाई, ये वाई और एक्स। तो इस तरीके से जो पूरी लेंथ है वो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि ए बी अगर मैं लिखूंगा जिसका लेंथ गिवन है तो वो एक्स प्लस वाई है, बी सी जो है वो वाई प्लस जेड है, सी जो है वो एक्स प्लस जेड है।
अगर मेरे पास ए सी बी सी या ए बी की लेंथ गिवन है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में कंसीडर किया है, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बी जो है दैट इज द सम ऑफ ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, और ए बी कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ ए पी क्या है? एक्स, और बी पी क्या है? वाई। तो सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है, ये तो हमने किस पॉइंट से निकाला है? ए पॉइंट से। तो दूसरा जो पॉइंट होगा बी पॉइंट होगा, तो फ्रॉम द बी पॉइंट इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं बी पॉइंट कंसिडर करूँगा तब ये बी पी और बी आर इक्वल होगा, राइट। तो अब यहाँ से ये जो बी सी है वो गिवन है, बी सी कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर गिवन है। बी सी को कैसे लिख सकते हैं? बी आर और आर सी की फॉर्म में, तो बी आर प्लस आर सी, और वो हम लोगों ने डिफाइन किया है वाई एंड जेड। ये डिस्टेंस क्या है? वाई, और ये डिस्टेंस क्या? जेड। तो वाई प्लस जेड क्या होगा? इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस वन, जो गिवन है। सिमिलरली अब सी पॉइंट आप कंसिडर करेंगे, तो ये जेड है तो ये भी जेड होगा, ये एक्स कंसिडर किया था तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, राइट। इसको भी वाई लिख देंगे। तो यहाँ पर ये एक्स प्लस जेड जो होगा क्या है? 8q और क्यू सी, ए क्यू ऐसे, और ये सी क्यू इज इक्वल टू सी ए, और सी ए कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो जेड प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 20। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तीन इक्वेशन बन रहे हैं, एक एक्स प्लस वाई के साथ में, एक वाई प्लस जेड के साथ में, एक जेड प्लस एक्स के, ये 10, 15, 20 ये डिस्टेंस गिवन थे, राइट। तो यहाँ इनको हम लोग ऐड कर देते हैं, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है, तो एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, जेड प्लस जेड 2z, 2 कॉमन ले लिया है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू इनका सम 45। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हम लोगों के पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 45 और डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, एक कोई इक्वेशन ले लेंगे y प्लस जेड, तो y प्लस जेड हमने ये कंसिडर कर लिया है, y प्लस जेड कितना है? 15 सेंटीमीटर, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस वाई माइनस जेड माइनस 15, तो y कैंसिल हुआ, z भी कैंसिल हो गया है, तो x बचेगा, x इज इक्वल टू ये 14 बाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, अब इधर से भी ये, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको मैं शो कर दूंगा, राइट। तो यहाँ आपके पास में एक्स बचा और इधर ये 45 बाई 2 माइनस ये 15। तो अब आपको ये सिंप्लीफाई माइनस ये आपका 15, तो इसको आप लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये बचेंगे आपके पास में कितना? 15 बाई 2, राइट। तो यू कैन राइट इट 7.5, तो एक्स इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो 7.5 मिलेगा। तो एक्स क्या है? ये डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस इक्वल होगा, तो ये 7.5 सेंटीमीटर। अब अगर आपको वाई फाइंड आउट करना है, तो आप इक्वेशन देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, ये पहली इक्वेशन थी, और अभी ये जो आपको रिजल्ट मिला है, राइट, ये कितना है? ये 7.5 है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 7.5। तो अब y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 10 माइनस 7.5, तो ये मिलेगा आपको कितना? 10 में से ये 7.5 तो 2.5,
सेंटीमीटर, राइट। तो इस टाइप से आपने वाई डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। फिर ये थर्ड इक्वेशन थी आपकी, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। अभी एक्स की जो वैल्यू है वो 7.5 है, यहाँ ये लिखा है 30, तो ये गलत है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 7.5 लिख लेंगे। तो ये 7.5, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 7.5, और ये कितने बचेंगे, 12.5। तो z इज इक्वल टू जो होगा वो 12.5 बचेगा सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, z की फाइंड आउट कर लिए हैं, राइट। सो ये मेथड इस तरीके से समरी है। आपको मैं फिर दोबारा बता दूं कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल रखा है और उसके ट्रायंगल के साइड्स जो हैं वो गिवन हैं, और राइट, तो आपको अगर किसी वर्टेक्स, ये जो ट्रायंगल है इससे किसी ये जो इंटरसेक्ट है यहाँ तक का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। ए से पी या ए से क्यू, सी से आर, सी से क्यू, या बी से आर, बी से पी, इनमें से कोई भी एक डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ये टेंजेंट का सिमिलर कंसेप्ट यूज करना होगा कि इस ए को आप एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर कर लें और यहाँ से ये दो टेंजेंट गए हैं, तो इस इंटरसेक्ट और इस इंटरसेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। फिर इनको आप एक्स वाई जेड एज्यूम कर लें, ए के पॉइंट से एक्स एज्यूम कर लिया है, बी के पॉइंट से ये वाई कर लिया है, और सी के पॉइंट से ये जेड कर लिया है। फिर इन दोनों को जो है आप ऐड कर लें एक्स प्लस जेड, जैसे कि ए सी होगा, ए सी जितना गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।